गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के नए हेड कोच हैं। श्रीलंका दौरे से उन्होंने टीम की कमान संभाल ली है। T20 सीरीज में भारत के श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करते ही गौतम गंभीर ने अपनी कोचिंग में पहली सीरीज जीत का स्वाद भी चख ली है। लेकिन इन सब के बीच टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीत के हीरो रहे एक खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान वायरल हो रहा है। उनके मुताबिक गौतम गंभीर टीम इंडिया को संभाल तो सकते हैं, पर वहां ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले। गौतम गंभीर को लेकर इस तरह का बयान देने वाले हैं जोगिंदर शर्मा, जो कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के हीरो रहे थे। गौतम गंभीर भी उस ICC टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। जोगिंदर शर्मा का कहना है कि जितना वो गंभीर को जानते हैं, उनके मुताबिक वो ज्यादा दिन भारतीय टीम में नहीं टिक पाएंगे। आपको बता दें, जोगिंदर शर्मा का कहना है कि गौतम गंभीर का खिलाड़ियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। उन्होंने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के दौरान कहा, गौतम गंभीर टीम को संभालने वाला है, लेकिन ये मेरा मानना है कि गौतम गंभीर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर के अपने ही कुछ फैसले होते हैं। हो सकता है कि किसी प्लेयर से मनमुटाव हो जाए। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ। गौतम गंभीर के फैसले कई बार ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों को पसंद नहीं आते। 2007 में भारत की T20 विश्व कप जीत में आखिरी ओवर डालने वाले जोगिंदर ने कहा, गौतम गंभीर सीधी बात करने वाला है, वो किसी के पास जाने वाला नहीं है। गौतम गंभीर चापलूसी करने वाला बंदा नहीं है, उसको क्रेडिट देने वाले हम लोग हैं। वो अपना काम करता है, सच्चे दिल से करता है और बड़ी ईमानदारी से करता है। जोगिंदर शर्मा का ये हैरत अंग्रेज बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके पीछे उन्होंने तीन वजहें बताई हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। उन्होंने पहली बात ये कही थी कि कई दफा गौतम गंभीर के कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आते, इसलिए क्योंकि वो सीधी बात करते हैं। नंबर दो, जोगिंदर शर्मा के मुताबिक दूसरी बात यह है कि गंभीर किसी के पास जाने वाले नहीं हैं, चापलूसी करना उनकी आदत नहीं रही है। वहीं तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने बताया कि गंभीर अपना काम करने में यकीन रखते हैं और कभी भी ये नहीं चाहते कि उन्हें कोई क्रेडिट मिले। आपको बता दें, टीम इंडिया में गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत के साथ ही टीम इंडिया के साथ राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया, जिसके बाद गौतम गंभीर को जिम्मेदारी मिली। फिलहाल गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है, जहां वनडे सीरीज खेली जा रही है। T20 सीरीज जीतने के बाद भी गंभीर की नजरें वनडे सीरीज में भी जीत का पटाखा फहराने पर हैं। वहीं गौतम गंभीर को भारतीय हेड कोच की जिम्मेदारी 2027 तक के लिए मिली है। भारतीय टीम को इस दौरान 4 ICC इवेंट्स खेलना है, इसमें 2027 में होने वाला वर्ल्ड कप भी शामिल है। भारतीय टीम बदलाव के दौर से भी गुजर रही है। रोहित और कोहली T20 से संन्यास ले चुके हैं। वनडे और टेस्ट में भी जल्द ही टीम इंडिया को नया कप्तान खोजना पड़ेगा। इसी वजह से गंभीर पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। वैसे क्या लगता है कि जोगिंदर शर्मा का ये बयान गौतम गंभीर के लिए किस हद तक सही है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी क्रिकेट की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें क्रिकेट केसरी।